अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज हम ये बहुत मज़ेदार सा टी केक बनाएंगे विद फ्रूटी चूस। सो लेट्स स्टार्ट मेकिंग आवर रेसिपी। 1.5 कप फ्लावर, अ गुड पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और ये जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं इसको एक विस्क से हम अच्छा सा मिक्स कर लेंगे। 222 ग्राम्स ऑफ सॉफ्ट बटर ले लें आप। बटर को हम थोड़ा सा बीट करके क्रीम करेंगे। थोड़ा सा एक तरफ करके ये बटर जो क्रीम हो गया है, इसमें 1 कप वाइट ग्रैनुलेटेड शुगर डालेंगे हम और दोबारा इसको बीट करेंगे। अब इसमें हमने रूम टेम्परेचर पर रखे हुए 4 एग्स डालने हैं। 1 by 1 हम इसमें डालेंगे और मिक्स करते जाएंगे। टू टेबल स्पून वनीला एक्सट्रैक्ट, 1/2 कप बटर मिल्क। अब हम इन सब चीजों को फिर से थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। सारे वेट इंग्रेडिएंट्स हमारे मिक्स हो गए अच्छे से। अब इसमें ये जो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स मिक्स करके रखे थे ये हम ग्रेजुअली डालते हैं। इसको स्पैचुला से मिक्स करेंगे अंटिल ये सारी चीज़ें एक दूसरे में अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएं। ये हमारा अच्छा सा केक बैटर रेडी हो गया। ओवन को 180 डिग्रीज पर प्री हीट कर लीजिए, 180 डिग्री सेल्सियस पे। ये मेरे पास मिक्स्ड फ्रूटी चूज है, इनको मैंने छोटे छोटा क्यूब्स में काट लिया है। तो कुछ हम इसके अंदर डाल देंगे और कुछ हम ऊपर से केक में ऊपर स्प्रिंकल करने के लिए रख लेंगे। को मिक्स कर लेते हैं इसके अंदर बैटर में। 9 by 5 इंचेस का ही मेरे पास लोफ है, इसको मैंने बटर से ग्रीस किया है और अब मैंने इसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर भी डाला है और एक्सेस फ्लावर जो है इसका वो मैं डिस्कार्ड कर दूँगी। इसके अंदर मैंने ये बटर पेपर से एक हैंडल सा यूं करके बना लिया ताकि हम जब केक हमारा बेक हो उसको हम यूं करके निकाल लें। तो ये हमारा टिन रेडी हो गया। बस सिंपली अब हम ये बैटर इसके अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इसका सरफेस स्मूथ कर दीजिए। जो हमने थोड़े से बचा लिए थे फ्रूटी चूस ये इसके ऊपर आप ऐसे स्प्रेड कर दें जरा इधर उधर, दिखने में अच्छा लगेगा। और बस अब आप इसको केक को 180 डिग्री सेल्सियस पे 35 to 40 मिनट्स के लिए बेक करें या फिर जब तक इसके अंदर से स्क्यूअर ड्राई बाहर आए। हर एक ओवन का एक डिफरेंट वो होता है टेम्परेचर, प्लस ये है कि गैस और इलेक्ट्रिक ओवन का भी डिफरेंस होता है। 35-40 मिनट्स में ये जैसे ही इसमें से स्क्यूअर ड्राई निकले इसको निकाल लें। ये देखिए 40 मिनट्स में किस कदर खूबसूरत कलर इस पे केक पे आ गया है, ये रेडी हो गया है। अब लेट इट कूल डाउन फॉर अ बिट और उसके बाद हम इसको इसमें से निकाल के इसके स्लाइसेस करेंगे। केक हमारा ठंडा हो गया है, अब इसको हम मोल्ड में से निकालते हैं। ये जो हमने बटर पेपर इस तरह लगाया था इट एक्ट्स एज अ हैंडल, आप इससे यूं करके पकड़ के और इसको निकाल के प्लेटर पे रख लें। कितने आराम से ये निकल आया है। बटर पेपर हम निकाल देते हैं। हमारे केक का कलर देखें कितना शानदार यूनिफॉर्म सा फर्स्ट क्लास सा कलर आया है। इसको हम स्लाइस करके देखेंगे, स्लाइसेस करके इसके देख लेते हैं। ये देखिए कितने अच्छे इसके अंदर जो हमने अंदर डाले थे फ्रूटी चूस वो कितने अच्छे इसके अंदर आए हैं। हमारा मज़ेदार सा टी केक विद फ्रूटी चूस बिल्कुल रेडी है, बहुत ही मज़ेदार बनता है। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप इसे ट्राई करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।
जिंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।